हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति। सो मैं काम करती हूँ सवे में, जो कि दिख रहा है आपको। मैंने उसकी टी शर्ट डाली हुई है। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और मैं आपको दिखाऊं कि पूरा दिन मेरे पास होता क्या क्या काम है, सवे कैसे ऑपरेट होता है और हमारा लोगो है ईट फ्रेश। सो हम क्या क्या फ्रेश आपके लिए बनाते हैं क्या नहीं। सो आज की वीडियो में हम यही सारा कुछ देखते हैं कि सबवे कैसे काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो मेरा सुबह उठ के सबसे पहला काम ही यही होता है कि अपने और सारांश के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाना। सो परांठे मेरे बन के रेडी है, मैं फटाफट उसको पैक करूँगी। ये मेरा लंच तैयार है। यहाँ कभी भी कुछ भी मौसम होता है, बारिश हो रही है अभी बहुत ही, पता नहीं लग रहा होगा बारिश है। मैं फटाफट स्टोर खोलने के लिए भाग रही हूँ। सो सुबह जब मैं पहुंचती हूँ सवे तो ऐसे खाली होता है, सारा कुछ फ्रिज में रखे होते हैं काम रोज़। सो मॉर्निंग पर्सन का काम है वो वापस से अरेंज करना सब कुछ। सो सबकी अपनी अलग जगह है और सेट जगह है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि एक मॉर्निंग पर्सन मीट कहीं और रखे और वेजीज कहीं और रखे और सॉसेस कहीं और रखे, बिकॉज देन नेक्स्ट बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। सो हर चीज़ अपनी सेट जगह रखनी होती है, वो मॉर्निंग वाले बंदे का काम होता है जो काम कर रहा होता है। एंड देन सब कुछ अरेंज करके जो अपनी जगह पे जो चीज़ रखी जानी चाहिए वो रख के हमें सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है, बिकॉज आपको नया दिन स्टार्ट करना है। और हम पैसे काउंट रात में जो क्लोजिंग करता है वो भी करता है और जो स्टार्ट करता है स्टोर वो भी करता है, ताकि अगर कोई डिफरेंस हो तो वो पता लग जाए। सो सब कुछ अरेंज करने के बाद जो दूसरा काम होता है वो पैसे काउंट करने का ही होता है, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सो जब तक आप ये अरेंज नहीं करोगे, आप पैसे काउंट नहीं करोगे, तब तक आप कस्टमर सर्व नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ आपका अगर मीट और वेजीज ही तैयार नहीं है तो आप सर्व ही नहीं कर पाओगे। एंड देन कंप्यूटर अगर स्टार्ट नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन उसमें डाल ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ही यही है कि सारा का सारा सामान अरेंज करना है और पैसे काउंट करके कंप्यूटर स्टार्ट करना है। बिकॉज़ कई स्टोर हैं जो आपको हाफ एन आवर का टाइम देते हैं कि अगर मेरी 7 o'clock शिफ्ट स्टार्ट होती है तो वो 6:30 स्टोर में बुलाते हैं ये सब करने के लिए, पर हमारा स्टोर की ओनर नहीं करती ऐसे। हम अगर 7 o'clock स्टार्ट करना है तो 7 o'clock ही स्टोर में जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। कई बार कस्टमर बाहर वेट कर रहे होते हैं हमारी, तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है। और मॉर्निंग में है भी सिर्फ एक ही पर्सन, दो जने भी नहीं हैं कि एक कंप्यूटर हैंडल कर ले और दूसरा कस्टमर सर्व कर ले, तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी करनी पड़ती है सुबह सुबह। और ये सब करने के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है ब्रेड बनाना। यस, बिकॉज़ रात में थोड़ी सी ब्रेड्स बची होती है, 10-15 ब्रेड्स छोड़ते हैं मॉर्निंग पर्सन के लिए, पर वो कितनी जल्दी यूज़ हो जाएगी वो कह नहीं सकते, बिकॉज़ सुबह सुबह स्कूल का टाइम होता है और जो ऑफिस जा रहे होते हैं वो लोग भी आते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने। सो बिल्डर्स बहुत सारे आसपास हैं हमारे यहाँ, तो बिल्डर्स आते हैं तो सबसे पहले ब्रेड बनानी होती है, बिकॉज़ ब्रेड बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो 1 घंटा से फूलने में लगता है उसको, एंड देन बेक होने में लगेगा। तो जैसे ही कैमरोज वगैरह अरेंज करते हैं उसके बाद सीधा स्ट्रेट अवे हमें बनानी होती है ब्रेड्स, बिकॉज़ इसमें भी बीच बीच में कस्टमर्स आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सब बना देते हो, आपको बहुत टाइम लग जाता है कई बार, बिकॉज़ कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो डेफिनेटली जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ टाइम भी लगता है इन सब में। और हर कंट्री में डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ब्रेड्स के, जैसे इटालियन, रोस्टेड गार्लिक, व्हीट, वाइट, सो वो सब भी सीज़न करना पड़ता है। एंड देन ये जो सारी डिलीवरीज है वो लगानी भी मॉर्निंग पर्सन को पड़ती है, जो कि मैं हूँ। अब ये डिलीवरी रखने का टाइम है, डिलीवरीज रखेंगे हम
सारी डिलीवरीज लगा दी है, अब हम कुकीज़ बनाएंगे। हम ब्रेड्स ऑलरेडी बना चुके हैं, डिलीवरी लगा चुके हैं, अब हम बनाएंगे कुकीज़। सो मॉर्निंग पर्सन डेफिनेटली काफ़ी बिजी पर्सन होता है, जो कि आप देख ही रहे हो, सुबह आते ही काम पे काम ही होते हैं। सवे की जो कुकीज़ होती है वो फ्रोज़न होती हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें उसे ट्रे पे रख के जस्ट अवन में डालना होता है। अदरवाइज़ हमें ये नापना और कुछ करना नहीं होता, बिकॉज़ वो ऑलरेडी शेप में आई होती है। और इसमें भी जैसे डिफरेंट ब्रेड्स होती है, ऐसे ही कुकीज़ का डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होता है। बट ब्रेड्स में क्या होता है, हमें सीजनिंग करनी पड़ती है, पर कुकीज़ में वो सब कुछ नहीं है। तो कुकीज़ काफ़ी इजी है बनानी ब्रेड्स के मुकाबले, और कुकीज़ को फूलना वगैरह का भी टाइम नहीं चाहिए होता है, सीधा अवन में रखना होता है। ब्रेड ने तैयार कर दिया, अब हम इसे रखेंगे अवन में। कुकीज़ हमने रख दिया बनने के लिए, ब्रेड्स हमारी बन रही है, हम अब इस पे लगा देंगे चीज़। हमने इटालियन ब्रेड्स पे लगा दिया है चीज़, अभी ने हम रख देंगे वापस प्रूफो में। हमारी कुकीज़ बन के तैयार है, अब हम इसे निकाल देंगे फटाफट। तो कुकीज़ मैंने सारी निकाल दी है रैक में, और उसको ठंडा होने के लिए रखा है। अब हम जो हमारी ब्रेड्स हैं वो फूल चुकी हैं पूरी, अब हम ब्रेड्स को बेक करेंगे। अब सुबह से मैं 7 बजे से यहाँ पे आई हूँ, और अब यहाँ 9:30 बज चुके हैं। तो मैं अभी पहले करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अब करूँगी वेजीज वगैरह कट, बिकॉज मैं ऑलरेडी ब्रेड बना चुकी हूँ, कुकीज़ कर चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने मीट ऑलरेडी बना दिया है, और थोड़ा बहुत मैं बाद में बना दूँगी अभी। तो अब मैं क्विकली करूँगी ब्रेकफास्ट। सो मेरे बॉइल्ड एग रेडी हैं, मैं क्विकली इसे खा लूँगी, बिकॉज ऑलरेडी 2 बार कस्टमर आ चुके हैं। फिर पूरा आपको वापस से वो सब कुछ पहनना पड़ता है, हैंड वॉश करने पड़ते हैं, इट्स वेरी हार्ड। तो मैं क्विकली खाती हूँ। सो अब मैं वेजीज़ की बात करूँ तो सारी वेजीज़ फ्रेश नहीं आती है, सिर्फ टोमेटो, क्यूक्यूम्बर, कैप्सिकम, अनियन, ये 4 वेजीज़ है जो फ्रेश आती है, जो हमें कट करनी पड़ती है स्टोर में। एंड कुछ वेजीज़ हैं जो फ्रेश होती है पर वो हमें कट नहीं करनी पड़ती, जैसे स्पिनिच हो गया, कैरेट हो गया, ये सब कुछ ऑलरेडी कट करके पैक करके आता है। सो वो हमें सिर्फ कैमरों में डालना होता है। तो अभी टाइम था, बिकॉज फ्रेश वेजीज कट करने में टाइम लगता है, तो ब्रेड और कुकीज़ के बाद सबसे पहले वही बनाना होता है, बिकॉज मीट तो जब दूसरा बंदा 12 बजे सेकेंड आ जाता है हेल्प के लिए मेंबर, तो तब भी बन जाता है मीट, पर वेजीज सिर्फ सुबह ही बनती है, तो इसलिए सबसे पहले अब फोकस हमारा होता है वेजीज पे। हमारी कुकीज़ प्रॉपरली कूल डाउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सो मैंने जैसा आपको बताया, कुकीज़ बहुत जल्दी बनती भी है, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता, बिकॉज उसको प्रूफन में नहीं रखना होता फूलने के लिए, जैसे ब्रेड को रखते हैं हम। तो पर जब कुकीज़ एकदम ठंडी हो जाएगी तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ ट्रे बहुत गर्म होती है, हार्ड होगा आपके लिए। तो जैसे ही कुकीज़ कूल डाउन होती हैं, हम कुकीज़ निकाल के उसको उसके कैबिनेट में रख के आएंगे, बिकॉज हमारी सारी कुकीज़ बन के रेडी है, अब हम इसे लगाएंगे। तो अब हमारी ब्रेड्स भी कूल डाउन हो गई है, हम फटाफट इसे भी निकाल देंगे। सो ये इटालियन ब्रेड थी जो मैंने बनाई थी चीज़ के साथ।
सो इट्स ऑलरेडी 11:30 नाउ, आई विल हैव माई ग्रीन टी. सो 12 बज चुके हैं और हमारा नया स्टाफ आ चुका है, मेहनती नया स्टाफ काम करने के लिए. सो 7 से 12 ओ क्लॉक तक मैं अकेली होती हूँ, मॉर्निंग स्टाफ. लाइक अगर मैं नहीं हूँ तो जो भी मॉर्निंग स्टाफ है वो अकेला होता है हमारे स्टोर में. एंड देन 12 टू 3 दो बंदे होते हैं, बिकॉज वो लंच टाइम होता है, बहुत बिजी होता है, और उसके बाद इवनिंग स्टाफ भी अकेला होता है. तो सिर्फ हमारे पास 3 घंटे होते हैं जो हमें सब कुछ मीट वगैरह प्रिपेयर करके रखना है, ताकि अब जो आगे का दिन है वो भी निकल जाए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का भी निकले. बिकॉज़ जैसा आपने देखा सुबह सुबह बहुत बिजी होता है, वेजीज़ वगैरह कट करना होता है, तो मीट हम थोड़ा थोड़ा जब टाइम अगर मिल जाता है तो हम मॉर्निंग में भी कर देते हैं, अदरवाइज़ 12 बजे के बाद मोस्टली हम प्रिपेयर करते हैं. बिकॉज सुबह अकेला बंदा होता है, बहुत सारा काम होता है उसके पास, उसको उस टाइम पे मीट का उतना नहीं होता. और मीट हमारा मीट और वेजीज दोनों 48 आवर्स तक के लिए फ्रेश मानते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 12 बजे के बाद बनाओगे और अगले दिन भी अगर वो मॉर्निंग में यूज़ हो जाएगा तो. और बाकी बिजी होने पे जितना आपने बनाया है वो हो सकता है वो शाम तक सारा का सारा यूज़ हो जाए और शाम वाले को फिर से बनाना. टाइम हो गया 1:30, ये हमारी वॉच. तो मैं अभी ब्रेड चेक करूँगी, हम दिन में भी बेक करते हैं ब्रेड्स और कुकीज़, और जो भी मीट ख़त्म हो जाता है देन फिर से दिन में प्रिपेयर करते हैं. तो बिकॉज मैं 3 बजे चली जाऊँगी तो मेरे को अभी चेक करना पड़ेगा, और अभी तक मैंने लंच नहीं किया है, मैं लंच 2:00 करती हूँ. तो मैं क्विकली ब्रेड चेक करती हूँ ब्रेड्स कितनी हैं. सो ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं, अब ये मेरा है लंच का टाइम, मैं लंच ब्रेक लूँगी अभी और लंच करूँगी मैं. इट्स स्टिल रेनिंग आउटसाइड एंड आई एम हैविंग माय लंच. सो मेथी परांठा, चटनी एंड सम चिकन. सो 3 बजे मेरी मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म होती है, और उससे पहले हमें ऐसे कैमरोज फुल करके छोड़ने होते हैं, वेजीज़ के भी और मीट का भी, ताकि अगर ये बाद में बिजी हो तो इवनिंग वाले पर्सन को दिक्कत ना आए. सो फाइनली अब बच चुके हैं 3, मैं निकल रही हूँ घर के लिए, मेरी शिफ्ट होती है ख़त्म. तो हमें लॉग इन और लॉग आउट करना पड़ता है. सुबह आई थी, सुबह भी बारिश हो रही थी, अब मैं जा रही हूँ तो भी बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है. तो होपफुली आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी. आपने देखा कि हम मॉर्निंग का जो स्टाफ है, लाइक मैं मॉर्निंग शिफ्ट करती हूँ, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, वेजीज कट करने से लेकर ब्रेड बनाना, कुकीज़ बनाना, जो भी सारी ड्यूटीज़ मैंने करी है. तो होपफुली आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, आपने इंजॉय किया होगा. और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.